आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स बनी सबसे खतरनाक टीम। मौजूद हैं 7 सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर। ऑक्शन में 3 नए ऑलराउंडर हुए टीम में शामिल। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें दुबई में ऑक्शन भी हो रहा है। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऑक्शन में कुछ बड़े खिलाड़ियों को खरीदा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 3 ऑलराउंडर्स के बारे में जो आईपीएल 2024 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे स्क्वाड में कौन कौन से 7 ऑलराउंडर शामिल हैं। ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को खरीद लिया है। आपको बता दें रचिन रविंद्र ने वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और इसी के बाद चेन्नई की टीम ने रचिन रविंद्र को 1.8 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। रचिन रविंद्र न सिर्फ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्कि वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इसके बाद शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम के साथ जोड़ा। शार्दुल ठाकुर को चेन्नई की टीम ने 4 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। शार्दुल ठाकुर वैसे तो एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल को खरीदा है। डैरल मिचेल वैसे तो अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके अलावा वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने डैरल मिचेल पर 14 करोड़ की बोली लगाई है। ये तीनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इन 3 खिलाड़ियों के अलावा भी चेन्नई की टीम में पहले से कई बेहतरीन ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में रविंद्र जडेजा, दीपक चहर के अलावा मोइन अली और शिवम दुबे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। निश्चित तौर पर आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कई बेहतरीन ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और चेन्नई की टीम एक बार फिर से खिताब जीतने की प्रबल दावेदार होगी। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना खिताब डिफेंड करते हुए आईपीएल 2024 में एक बार फिर से खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।